सुशील मोंटेश्वरी स्कूल ने की छात्रों के साथ धोखाधड़ी, खराब कर दिया 12वीं की छात्रों का भविष्य। सुशील मोंटेश्वरी में 12वीं में अध्ययनरत करीब आधा दर्जन छात्र आज एसपी के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। छात्रों ने बताया कि स्कूल प्रबंधक ने उनके 12वीं के परीक्षा फॉर्म ही नहीं भरे, इस कारण वो परीक्षा नहीं दे पाएंगे, उनका ये साल बर्बाद हो जाएगा। स्कूल प्रबंधक के द्वारा हमारी कोई सुनवाई नहीं की जा रही। उन्होंने बताया कि अब आपके पास अपनी फरियाद लेकर आए हैं, स्कूल प्रबंधक के खिलाफ कार्यवाही की जाए और हमारा साल खराब होने से बचाया जाए। प्रबंधक अनावेश पुरोहित के द्वारा खुद का एक अलग स्कूल है जो कि अशोका मेमोरियल कॉन्वेंट स्कूल शक्तिपुरम खुदा पर स्थित है, जो कि 8वीं कक्षा तक है, लेकिन उनके द्वारा 12वीं कक्षा के छात्रों का फॉर्म डलवाकर उन्हें पढ़ाया जा रहा है और वो बच्चों को प्रवेश किसी अन्य स्कूल से करा देते हैं जिनकी बच्चों को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं रहती। इसलिए स्कूल प्रबंधक के विरुद्ध कार्यवाही की जाए और हमें न्याय दिलवाया जाए। शिवानी भार्गव सर, हमारे कल 12th के एग्जाम है और हमारे स्कूल वाले सर ने तो हमारे फॉर्म ही नहीं भरे, उन्होंने तो हमारी लाइफ ही खराब कर दी। वो जी बोल रहा है मैं ध्यान भूल गया, कोई फॉर्म भरने का ध्यान भूलता है? बच्चों के भविष्य के खिलाफ कोई खेलता है क्या? अब नहीं बैठने, रोली नंबर नहीं आया तो कहाँ से बैठने? फॉर्म ही नहीं भरा तो फॉर्म ही नहीं भरा कहाँ से? हाँ, पैसे ले लिए, प्रैक्टिकल फीस ले ली और हमें पैसे भी ले लिए हमसे। आपको कब मालूम पड़ा कि आपका रोल नंबर नहीं? कल ही, कल शाम, कल वो भी 4 बजे मंगलवार को, कल शाम 6 बजे पता पड़ा कि हमारा फॉर्म ही नहीं भरे। हमारा अशोका मेमोरियल कॉन्वेंट 1 से 8वीं तक और 8वीं के बाद सुशील मोंटेश्वरी। कितने बच्चे हैं जिनका फॉर्म नहीं भरा? 7 और सब बच्चों के साथ जो धोखाधड़ी का मामला आया है कि इनको पहले झांसा दिया कि एडमिशन करवा देंगे, इसके बाद भी इनकी एडमिशन नहीं कराया गया, क्या है ये पूरा मामला? अभी हमारे को एक आवेदन प्राप्त हुआ है विवेक पांडे, लेकिन ये 5-6 बच्चे हैं जिनको के हायर सेकेंडरी बोर्ड का एग्जाम दिलाने के लिए वादा किया था और इन लोगों ने जो अनवेश पुरोहित करके मोनू सर हैं इनके, उनको पैसे भी दिए फीस के और फॉर्म भरने के, लेकिन इनको अभी तक प्रवेश पत्र प्राप्त नहीं हुआ और कल इनका पेपर है, उसके संबंध में हम जांच कर रहे हैं। उस लड़के से पता किया तो वो अभी मुरैना होना बता रहा है और पैसे भी लेना बता रहा है। यदि कोई धोखाधड़ी की घटना घटित हुई है तो इसमें प्रकरण पंजीबद्ध करेंगे। सर, इसमें बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, क्या स्कूल पेपर दिला सकता है? नहीं, अब ये तो कि अगर वो लेट फीस भर के अगर हो सकता है तो वो शिक्षा विभाग ही बता पाएगा। हमारा तो ये है कि इसमें कोई धोखाधड़ी की अगर घटना घटित हुई है तो हम प्रकरण पंजीबद्ध करेंगे। अभी बच्चों ने क्या बताया? हमने स्कूल के ये स्कूल जो है वो भी सिर्फ 8वीं कक्षा तक है, इनको 9th-10th भी उन्होंने उसी स्कूल से करवाया, किसी दूसरे स्कूल का वो भरवा के, तो उन्होंने वहाँ 12th का भी वहीं से भरवाया है, तो धोखाधड़ी का मामला प्रथम दृष्टया तो लग रहा है। बच्चे मेरे पे लिखी शिकायत करें पहला, और दूसरा उनसे धोखाधड़ी अगर किसी ने की है, गलत आश्वासन दिया, उसके खिलाफ FIR दर्ज कराएं, थाने में जाके 420 का प्रकरण नोट कराएं, क्योंकि बच्चा कोई भी प्राइवेट फार्म कहीं से भी भर सकता है। हर ब्लॉक पे हमने सुविधा दी है, कोई बता रहा था कि पिछोर ब्लॉक के तो पिछोर में क्रमांक एक है, करेरा में भी क्रमांक एक है, कन्या सब जगह प्राइवेट फॉर्म भरे रहते हैं 250-300 रुपये में, कक्षा 10-12 के फार्म हमारे यहाँ जो पात्रता अनुसार प्रैक्टिकल की उससे फीस लेके बोर्ड को डायरेक्ट बैंक ड्राफ्ट जमा होता है, या किसी भी क्रॉस सेंटर पे जाके फार्म भर सकता है, वो उनके गलत चुंगल में फंस गए बच्चे, और अब मेरे पास शिकायत आएगी उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, जो भी दोषी होंगे दंडित करूंगा। नहीं, मेरे शिक्षा विभाग पर सर लगाम लगाने के लिए क्या किया जाए? हमारे लगाम लगाने के लिए इससे पहले अभी फर्जी कल पेपर में बैठना था, वो पेपर नहीं जिम्मेदार कौन है इसके लिए? शिक्षा विभाग बिल्कुल जवाबदार नहीं है, क्योंकि जो बच्चे हैं इसके लिए वो दोषी है, क्योंकि बच्चा 9th class पास होता है, बाहर बोर्ड कौन सी क्लास का लगा वो कह रहे थे कोई मिडिल स्कूल है, और अशासकीय विद्यालय से कॉन्टेक्ट करते, डेली अखबारों में सभी न्यूज निकल रही है, टीवी पे भी पट्टी चल रही है, हम भी पैम्पलेट जारी कर रहे हैं कि परीक्षा 3 तारीख से, हमने 1 महीने पहले जारी करा था, माननीय मुख्यमंत्री जी भी जारी करेगी परीक्षाएं होंगी, शिक्षा मंत्री भी जारी कर रहे हैं कि हमारे यहाँ परीक्षा निर्धारित समय में होंगी, तब भी उन्होंने क्यों नहीं कॉन्टेक्ट किया? जब कल एग्जाम हो रहा है तो आज वो प्रकट हो रहे थे, इसमें दोष छात्रों का है और जिसने धोखा दिया वो दोषी। बिल्कुल करेंगे, अगर आवेदन आएगा कार्रवाई करेंगे, अगर उसके हमारे यहाँ से मान्यता जारी की तो मान्यता भी निरस्त करेंगे।